Hi everyone, so today we will discuss this problem of H.C. Verma and ye bhi dekhenge ki is question ko aur kis tarah se ghuma ke pooch sakte hain exam mein aur kya kya modification ho sakte hain to make this problem further you know interesting and conceptual. So ye question you know tough nahi hai, it's just you have to understand the condition that is given in the problem. So pehle dekhte hain ki kaise ise solve karna hai, fir यू नो एनालाइज करेंगे कि और क्या चेंजेस करके इसे क्वेश्चन को यू नो एग्जाम में घुमा सकते हैं. सो देखो एक द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन द क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई. तो बेंचेस का डायमेंशन दिया हुआ है. अ बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हिट्स अ मैमोथ सिक्सर. ओके, सो बैट्समैन कहाँ से हिट करता है? 1 मीटर हाई से. द बॉल का स्पीड दिया है आफ्टर हिटिंग 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री. ओके, सो यू दिया है और थीटा दिया है विद द हॉरिजॉन्टल. द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 110 फ्रॉम द बैट्समैन. ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट? ओके, सो जो पहले डाइग्राम बनाते हैं, अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है. ओके, सो यहाँ से 1 मीटर पे, दिस इज 1 मीटर, यहाँ से बॉल का प्रोजेक्शन होता है कितने एंगल पे? दैट इज अ एंगल ऑफ 53 डिग्री. और बॉल का इनिशियल स्पीड आता है 35 मीटर पर सेकेंड. सो इस तरह से बॉल प्रोजेक्ट करती है. और यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे? 110 मीटर पे यहाँ से बेंचेस स्टार्ट होते हैं. सो पहला बेंच आपका ये आएगा. ओके, सो यहाँ पे तो ये 1 मीटर जो डिस्टेंस होगा ये यू नो टेबल का यू कैन से फुट ऑफ द टेबल और जो भी उसका यू नो स्टैंड करने के लिए टेबल का होता है वो है. तो ये फर्स्ट बेंच है. सिमिलरली आपका इसके ऊपर सेकंड बेंच आएगा. आपने स्टेडियम अगर देखा हो, सो दूसरा कलर यूज़ करते हैं, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. सो यहाँ से इस तरह से ये आपका 1 मीटर पे, ये सारे डायमेंशन 1 मीटर के हैं. ओके, सो सेकेंड है इस तरह से, ये थर्ड है, ये भी 1 मीटर. सो ये थर्ड बेंच है एंड सो फोर्थ. सो इस तरह से जो बॉल आपका हिट करने के बाद कुछ सिक्स में यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट कि किस बेंच को वो हिट करता है. तो वो हमें निकालना है. तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सी, हमें ये निकालना है कि किस बॉल को हिट करता है. सो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि वो जिस भी बेंच को हिट करेगा, लेट मी ड्रॉ अ लाइन. मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले. व्हाई आई एम ड्रॉइंग दैट लाइन? देखो यहां से लेकर के मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस तरह से. और मैं ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? मुझे क्या पता है? ये बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन मुझे पता है. आई कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ दिस बॉल, राइट? किसी भी बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन हम निकाल सकते हैं. अगर हम ये निकाल लें कि इस लाइन की क्या इक्वेशन है, ठीक है, इस लाइन के साथ जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है वो कहाँ हिट होती है. मान लो अगर यहाँ होती है, लेट्स कॉल ए बी सी डी, अगर वो ए बी में हिट होती है, अगर वो ए बी में हिट होती है तो बॉल इस बेंच को यू नो हिट करेगा. अगर जो इंटरसेक्शन है वो बी सी में होता है तो इस बेंच को हिट करेगी बॉल. अगर सी डी में होती है तो इस बॉल को हिट करेगी. सो हमें फाइट अल्टीमेटली निकालना क्या है? ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन बॉल फॉलो करेगी ये पाथ, और इस लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? जो बेंचेस है यू नो उसका, जैसे इसका फुट और सेकेंड बेंच का फुट, सिमिलरली थर्ड बेंच का फुट, तो इस तरह से वी आर ड्रॉइंग अ लाइन. और ये लाइन का स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री. और अगर आपको इक्वेशन निकालने के लिए पहले कोऑर्डिनेट एज्यूम करने पड़ेंगे, तो आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं. सो लेट मी एज्यूम यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पर ये वाई एक्सेस है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट 0.0 है जहाँ से बैट्समैन हिट कर रहा है बॉल को. नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट, राइट, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालोगे आप, बॉल की ट्रेजेक्ट्री. अगर आपको याद नहीं है, लेट मी क्विकली टेल यू, आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो. एक्स का क्या होगा? वी कॉस थीटा इंटू टी, राइट, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता है, राइट.
सिमिलरली वाई क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है, यू वी साइन थीटा, सो वी साइन थीटा टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी, तो सो यहाँ पे एक माइनस आ गया, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालोगे, टी को एलिमिनेट कर दो, टी को क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन वी कॉस थीटा, सो वाई जो निकल के आएगा वी साइन थीटा इंटू टी की जगह रखोगे एक्स अपॉन वी कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई, चेक करो, y इज इक्वल टू वी कैंसल हो गया, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ फाइंड आउट, वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू x, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा 1053, सो ड्रॉ ट्रायंगल, दिस एंगल इज 53, सो दिस 53 के लिए ट्रायंगल कैसा बनता है, ये 4 है ये 3 है राइट एंड दिस विल बी 5, सो व्हाट इज 10 53 4/3 माइनस हाफ जी विल बी 9.8 एक्स स्क्वायर, जब तक जी 10 लेने को ना बोला जाए तब तक यू नो यू हैव टू एज्यूम 9.8, वी वी कितना है 35, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम 35 का होल स्क्वायर इनटू व्हाट इज कॉस, कॉस इज 3/5, सो 3 स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 5 स्क्वायर, सो चेक करो कितना आ रहा है, इक्वेशन ऑफ यू नो ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल निकल के आ रहा है 4x/3 माइनस दिस इज टू बी 4.9, 2 से काट दो और ये 5 से इसे काट दो, 7 टाइम्स कटेगा, सो 7 × 49 राइट इंटू 9 दैट इज एक्स स्क्वायर राइट। सो नाउ चेक करो ये कितना आ रहा है 90 and this will 10 times, so 4x/3 minus 1/90x². So this is the value of y. Okay, अब हमें इसका इक्वेशन आ गया, किसका, जो बॉल का जो यू नो पाथ है इसका इक्वेशन आ गया, अब हमें क्या निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, सी आपको एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, ये पॉइंट कितना है, ये अगर x है तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x x x कोऑर्डिनेट कितना होगा 110 110, y कोऑर्डिनेट 0। सो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इफ यू नो द स्लोप एंड अ पॉइंट, सो इट वुड बी y माइनस 0 अपॉन x माइनस 110 दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है 1045 1, सो y इज इक्वल टू x माइनस 110, दिस इज यूर इक्वेशन। सो अब अभी आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन पता है, इस पैराबोला की इक्वेशन भी पता है और स्ट्रेट लाइन की, अभी आपको जस्ट इंटरसेक्शन निकालना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। सो इजिली यू कैन फाइंड आउट वाई का वैल्यू कितना रख दो, एक्स माइनस 110, सो वाई का वैल्यू आई नीड टू पुट एक्स माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 4x/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 90। ओके सो चेक करो यहाँ से कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 90 यहाँ पे जाएगा 4x, सो माइनस x/3 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन के यू हैव टू फाइंड आउट द रूट, सो कैसे निकालेंगे, ओके 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x राइट माइनस 9900 इजंट इट, ओके दैट इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन के मुझे रूट निकालना है, so you can find out by x minus b plus minus under root b square minus 4ac right, you know the formula, so you can find it out right, b square minus 4 into a into c upon so 2 into a, so you have to do this calculation. So, you know, let me do it quickly for you. You have to find it out, okay? So, I'm doing this using, you know, this calculator. 1 minus 30 minus 9900. So, minus 30 minus 9900. So, what are the equation you are getting? What are the roots you are getting? Check it.
115 आपको नेगेटिव रूट यू नो कंसीडर नहीं करना है. सो 115.62 इज योर वन रूट, पॉजिटिव रूट. सो आपका जो आंसर आ रहा है 115.62, जो सेकेंड रूट है वो नेगेटिव है. सो एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो दिस इज योर आंसर. अब आपका एक्स आ गया, ठीक है. सो अभी आपको निकालना है, देखो एक्स आ गया. सो अभी अगर आप वाई निकाल लो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, राइट. सो लेट्स फाइंड आउट वाई. वाई कितना होगा? वाई विल बी 115.62 माइनस 110. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 5.62. दैट इज माई वाई. ओके. सो अगर मैं वाई को कंपेयर करूं, देखो अगर ए बी में वाई कहां से कहां वेरी कर रहा है? जीरो से ये कितना है? वन, राइट. अगर जीरो से वन होता है तो ये फर्स्ट बेंच है. अगर वन से टू होता है, वन से टू मतलब ये वाली वाई की वैल्यू होती है, तो किस बेंच को? देखो इस पार्ट में बी सी पे इंटरसेक्शन होगा, और अगर यहां से यहां तक इंटरसेक्शन होता है तो अल्टीमेटली वो इसे ही हिट करेगी, जो कि आपकी सेकेंड बेंच है, राइट. तो इस तरह से ये सेकेंड बेंच को हिट करेगा. अगर आपका इंटरसेक्शन सी से डी के बीच में होता है, मतलब वाई इज इक्वल टू टू से वाई इज इक्वल टू थ्री के बीच में होता है, सो आपकी कौन सी बेंच को हिट करेगा? थ्री. क्योंकि अगर वो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है तो फाइनली उसे कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ कहीं पर भी आके बेंच थ्री से ही यू नो कोलाइड करेगा. सो अगर वो वाई का वैल्यू फाइव आ रहा है, सो यू कैन चेक कि बेंच का नंबर कितना आएगा. फाइव टू सिक्स में दैट विल बी, अगर वाई का वैल्यू फाइव टू सिक्स है दैट मीन्स वॉट इज विच बेंच? सिक्स्थ बेंच, राइट. बिकॉज जीरो टू वन में आपका फर्स्ट बेंच, वन टू टू में सेकेंड बेंच, राइट. इस तरह से यू कैन फाइंड आउट कि फाइव टू सिक्स अगर होता है वाई का वैल्यू तो वो सिक्स्थ बेंच को हिट करेगा. ओके फाइन. और इसमें कैसे किस तरह से वेरिएशन करके यू नो एक अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है. मान लो यहाँ से बॉल आपका दिया हुआ था. लेट मी ड्रॉ द डाइग्राम अगेन इन अ फ्रेश पेज. इस तरह से देखो, यहाँ से बॉल था वन मीटर पे, और इस तरह से आपका बेंचेस थे, राइट. ये फर्स्ट बेंच था, ये सेकेंड बेंच था, राइट. ये थर्ड बेंच था. इस तरह से थे. अब अगर सिक्स्थ बेंच को वो हिट कर रहा है, राइट. सो इस तरह से आप ड्रॉ करते जाओ. ये मान लो इस तरह से ये सिक्स्थ बेंच है, तो वो उसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है इस यहाँ पर कहीं हो रहा है, राइट. यहाँ से ये आपका वाई फाइव है और ये सिक्स है. सो इस लाइन को अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो सिक्स्थ बेंच को. बट सिक्स्थ बेंच में भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वर्टिकल पार्ट को हिट करेगा या हॉरिजॉन्टल पार्ट को हिट करेगा. ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन में फर्दर ये पूछ ले कि दैट इज फाइन, सिक्स्थ बेंच को हिट कर रहा है, दैट इज फाइन, बट आई वॉन्ट टू नो वेदर इट इज हिटिंग द वर्टिकल पार्ट ऑफ द सिक्स्थ बेंच और द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द सिक्स्थ बेंच. आप समझ गए ना मैं कह रहा हूँ? ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो बॉल यहाँ कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, राइट, ए सी को. तो वो फाइनली ए बी में हिट करेगा या फिर बी सी में हिट करेगा, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यू हैव टू थिंक. देखो मैंने क्या किया था, अभी यहां से ड्रॉ किया था एक लाइन. अब आप क्या करो, एक और लाइन ड्रॉ करो, एक और लाइन ड्रॉ करो. देखो यहां से एक और लाइन ड्रॉ करो, ये वाली जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. और अब निकालो अगेन, यहां से और बेंचेस होंगे, अगेन इस लाइन की इक्वेशन निकालो, राइट. अगेन इसका लाइन, इस लाइन का भी स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री. और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 110 था और ये 1 मीटर है, तो ये जो पॉइंट होगा 111.0. आपको पॉइंट पता है, आपको एंगल पता है. सो इक्वेशन निकालो. अब ये निकालो कि ये जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है इस तरह से आती तो है, इसे भी हिट करती है, मगर इस लाइन को कहाँ हिट करती है? इस लाइन को कहाँ हिट करती है? अगर मैं कहूँ कि वो फाइनली ये वाली जो आपकी बॉटम वाली लाइन है इसे इस वाले पॉइंट पे हिट करती है, इस वाले पॉइंट पे हिट करेगी, तो वो इस पार्ट को, हॉरिजॉन्टल पार्ट को बेंच पे हिट करेगी. और अगर आपकी जो ये वाली ट्रेजेक्ट्री है वो इसे, जो मैं कह रहा हूँ चलो इसे 1 2 3 कहते हैं, अगर 1 2 को हिट करती है, आपके दोनों निकालने हैं, ठीक है. पहले तो आपने ये निकाल लिया कि इस पार्ट को हिट करेगी, तो आपकी बेंच कंफर्म हो गई. बट अगर फर्दर 1 2 2 हिट करती है सेकेंड लाइन में,
तो आपकी हॉरिजॉन्टल पार्ट टच होगा। और अगर 2 to 3 हिट करती है, राइट, ये वाली जो इंटरसेक्शन है 2 to 3 होता है, तो आपका वर्टिकल पार्ट टच होगा। तो इस तरह से यू नो फर्दर यू कैन टेल इन अ मोर एक्यूरेट वे कि बेंच को हॉरिजॉन्टल पार्ट पे इंटर हिट करेगी या फिर वर्टिकल पार्ट पे। तो इस तरह से वी कैन मेक दिस क्वेश्चन फर्दर मोर इंटरेस्टिंग। और कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, जस्ट आई टोल्ड यू इक्वेशन से निकालना है, और पैराबोला की इक्वेशन तो सेम रहेगी, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड इक्वेशन। सो दो लाइन आप यू कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ईजिली। सो अगर करके देखना, इफ़ यू स्टक समवेयर लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके देन आई थिंक वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग, सो ओके टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके देन टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।